कोयलांचल धनबाद के व्यवसायियों के लिए खौफ का पर्याय बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान के नेक्सस को ध्वस्त करने में धनबाद पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। पिछले दिनों बैंक मोड़ इलाके में रंगदारी के लिए दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी में 2 क्राइम के लिए प्रेरित करने वाले लोग भी शामिल हैं। पकड़ा गया अपराधी सलूजा मोटर्स और घराना में फायरिंग मामले में शामिल रहा है। 2 अपराधियों पर पहले से गंभीर मामले चल रहे हैं, उसमें एक नन्हे खान हत्याकांड में वांछित है, जबकि दूसरा हाउसिंग कॉलोनी में ठेकेदार के घर फायरिंग में शामिल था। पूरे मामले पर मीडिया से बात करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस के लिए काम करने वाले 5 अपराधियों की गिरफ्तारी से फायरिंग समेत अन्य अपराध की घटनाओं में कमी आएगी और वो दिन अब दूर नहीं जब उसका नेक्सस पूरी तरह ध्वस्त होगा। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, घटना के वक्त इस्तेमाल किया गया बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। एसएसपी ने जिले के व्यवसायियों और आम लोगों से रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को एक्सपोज करने और रंगदारी के लिए फोन कॉल या मैसेज आने पर पुलिस से तुरंत संपर्क करने की अपील की है। पिछले महीने बैंक मोड़ क्षेत्र में 2 फायरिंग की घटना घटी थी, जो विशेषकर ये घटना जो थी वो जिसमें बाद में ये प्रकाश में आया था कि ये घटना एक्सट्रॉशन को लेकर के किया गया है, खासकर इसमें प्रिंस खान गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा यह किया गया है। जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो इसमें हमारे डीएसपी और जो लोकल इंस्पेक्टर्स थे और जो पूरी टीम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर लगाई हुई है उसको इस पर लगाया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने दोनों कांड का उद्भेदन कर लिया है और विशेषकर जो इस कांड में शामिल अपराधकर्मी थे जिन्होंने जो फायरिंग को अंजाम दिया है उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। कुल 5 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद आजाद आलम, विकास कुमार महतो, जुगनू अंसारी, गोलू कुमार रवानी और शिवम कुमार प्रसाद, इन 5 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा है। आजाद आलम पूर्व में भी नन्हे हत्याकांड में जेल में गया था और जो पहला घटना जो सलूजा मोटर्स के आसपास जो गोली चली थी उसमें ये खुद इसने गोली चलाई थी और इसके साथ जुगनू अंसारी नाम का एक व्यक्ति था, वो लड़का था, वो भी पूर्व में वो शामिल किसी घटना में नहीं रहा है। इसी प्रकार जो दूसरी घटना थी जो घराना ज्वेलर्स में हुआ था उसमें विकास कुमार सिंह उर्फ विकास कुमार महतो, इसके द्वारा उस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। फिर इसमें गोलू रवानी और शिवा प्रसाद के द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। तो इन 5 अपराधकर्मियों का अलग अलग रोल रहा है। इसमें एक चीज़ जो बार बार देखी जा रही है कि कुछ अपराधकर्मी रहते हैं जो खासकर नए लड़कों को प्रेरित करते हैं और अपने साथ आने का तरह तरह से उनको लुभावना चीज़ों को दिखा करके उनको प्रेरित करते हैं और उनको उनके साथ उनको क्राइम में इन्वॉल्व करते हैं। और कई बार मैं पिछले बार भी कई बार लोगों से आप लोगों के द्वारा अपील कर चुका हूं कि ऐसे लड़कों को खासकर घर परिवार समाज हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लड़कों को सही रास्ते में ले जाया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह से करने से उनकी क्योंकि इसमें एक बार नाम आ गया तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोगों को सुनिश्चित कराना होगा। बाकी जो अपराधकर्मी हैं जब भी कोई अपराध होगा हम लोग लगातार लगे हुए हैं किसी पर भी प्रकार के अपराध को, ताकि हम लोग तुरंत उनको उद्भेदन कर पाएँ और अपराधकर्मियों को पकड़ पाएँ। इस दोनों घटनाओं का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया गया है और जो इसमें प्रयुक्त हथियार थे वो भी बरामद कर लिया। किन क्षेत्रों से गिरफ्तारी की गई है? अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तारी की गई है, धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में अलग से एक आर्म्स एक्ट का भी कांड दर्ज किया गया है। हथियार में क्या गिरफ्तारी? हथियार में एक पिस्टल है जिसमें जिसके द्वारा ये दोनों कांड को अंजाम दिया गया था। 8 जिंदा गोली बरामद किया गया है, 3 मोबाइल फ़ोन है और जो मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था उस मोटरसाइकिल के भी को भी हम लोगों ने सीज किया है। पूछताछ के क्रम में यही बताया गया कि इनको निर्देश मिले थे इस घटना को कारित करने के लिए और इसलिए जो भी अन्य अपराधकर्मी हैं जो अलग अलग क्षेत्र से उनको निर्देश दिए हैं या उनको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, सबके ऊपर कार्रवाई।